नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड है स्ट्रिप और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप और ये भी आपके लेफ्ट स्ट्रिप एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप की तरह ही है, लेकिन वो सिर्फ एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर रिमूव करता था जो हम मेंशन करें वो, एंड आर स्ट्रिप राइट साइड वाले कैरेक्टर रिमूव करता था। स्ट्रिप मेथड एक जनरल मेथड है जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे अगर कोई चीज है तो उसको रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एस है और स्ट्रिंग स्ट्रिंग है मेरे पास एक, और उसमें यहाँ लेफ्ट साइड से भी स्पेसेस हैं ठीक है, और राइट साइड पे भी स्पेसेस हैं ठीक है, इसमें यहाँ से भी स्पेसेस हैं और यहाँ से भी स्पेसेस हैं, तो एस डॉट स्ट्रिप में कर रहा हूँ तो ये दोनों साइड से रिमूव कर देगा। रिमेंबर एल स्ट्रिप अगर मैं करूँ तो इसने जस्ट लेफ्ट साइड से रिमूव किया, राइट साइड पे अभी भी पड़े हैं, या फिर मैं इसका आर स्ट्रिप करूं तो इसने राइट साइड से रिमूव कर दिया, लेफ्ट पे अभी भी पड़े हैं, लेकिन एस स्ट्रिप क्या करता है दोनों साइड से रिमूव कर देगा जो भी आपका कैरेक्टर है। अभी इसने वाइट स्पेस से रिमूव किए हैं, आपके स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, तो ये लेट से एक है जिसमें आपके पास ये वाले हैं और फिर प्रकाश ईरानी, लेट से नाम आया मेरा और उसके बाद ये वाले आ गए ठीक है, और अब आपका एस ही है और आप के एंड में जो स्ट्रिंग्स हैं कैरेक्टर्स हैं वो आपको रिमूव करने हैं, सिर्फ आपको बीच वाला यूजर नेम चाहिए। तो एस डॉट स्ट्रिप में कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं कैरेक्टर्स कौन से दे रहा हूँ, ये वाले, तो इसने दोनों रिमूव कर दिए, लेफ्ट से राइट से दोनों से रिमूव कर दिए, सिर्फ मैं ये दे रहा हूँ तो ये क्योंकि ये वाले कैरेक्टर हमने दिया ही नहीं, हमने कहा सिर्फ हैश रिमूव करो, तो इसने लेफ्ट राइट दोनों हैश देखा, जहाँ पे हैश थे वो रिमूव कर दिया, बाकी जो बचा हुआ ठीक हो गया। ये जनरलाइज मेथड है राइट और लेफ्ट दोनों साइड से रिमूव करने के लिए, ठीक हो गया।